भट्ट अपनी ही सुपर हिट फिल्म नाजायज का रीमेक क्यों बनाना चाहते हैं? इस फिल्म में वो किस हीरोइन को कास्ट करना चाहते हैं? सलमान खान के नो का मतलब नो क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सुपरस्टार अजय देवगन का नाम जब भी सामने आता है, उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म नाजायज को कोई कैसे भूल सकता है, क्योंकि इस फिल्म में अजय देवगन ने महेश भट्ट के साथ काम किया था। नाजायज 1995 में रिलीज की गई थी और इस फिल्म में अजय देवगन के साथ नसीरुद्दीन शाह, जूही चावला और रीमा लागू नजर आए थे। फिल्म की कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी अपराध से लिप्त एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जो अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसके पास तो सब कुछ होता है पर रिश्तों की सुगंध नहीं होती। और आज जब सोशल मीडिया के दौर में रिश्ते टूट रहे हैं तो महेश भट्ट अपनी इस सुपरहिट फिल्म का रीमेक बनाना चाहते हैं और इस फिल्म में अजय देवगन के अपोजिट वो आलिया भट्ट को लेना चाहते हैं। दोस्तों, एक प्रकार से महेश भट्ट की नाजायज फिल्म वुमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि रीमा लागू का कैरेक्टर एक ऐसी माँ का कैरेक्टर है जो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर पुलिस इंस्पेक्टर बना देती है। और एक प्रकार से अजय देवगन इस फिल्म में अधिकतर अमिताभ बच्चन के एक्टिंग करने के अंदाज में एक्टिंग करते नजर आए हैं, क्योंकि ज्यादातर अमिताभ बच्चन ऐसा ही अभिनय करते हैं और ऐसी बहुत सी फिल्में अमिताभ बच्चन ने की है, चाहे वो उनकी लावारिस हो या फिर परवरिश। दोस्तों, नाजायज फिल्म बॉलीवुड की कल्ट फिल्म मानी जाती है क्योंकि इस फिल्म में 7 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट रहे थे। और इस फिल्म का एक गाना, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। दोस्तों, ये गाना इतना ज्यादा फेमस हुआ कि आज भी लोग इस गाने को सुनना पसंद करते हैं और यही वजह है कि इस फिल्म के रीमेक में इस गाने को रिक्रिएट करने की चर्चाएं चल रही हैं। और वहीं इस फिल्म का एक और गाना जो हर यूथ की धड़कन बन गया था और गाने के बोल थे, तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तक उड़ा लूं, आऊं जो अपनी जिद पे तुझे क्या से क्या बना दूं। और दोस्तों, इस गाने को मेल और फीमेल दोनों वर्जन में गाया गया था। अब बात करते हैं कि सलमान खान के नो का मतलब नो क्या है। दोस्तों, नो किसिंग रूल को मानने वाले बॉलीवुड में सिर्फ दो ही एक्टर थे, लेकिन शिवाय फिल्म में अजय देवगन ने 3 मिनट तक का लंबा किसिंग सीन दिया और जिसके बाद आज बॉलीवुड में सलमान खान ही एक ऐसे एक्टर बचे हैं जो नो किसिंग सीन को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म नाजायज का सीक्वल बनना चाहिए या नहीं। अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।